सब पता चल जाएगा एक बार, जो नहीं भी है हटा के देख लो तुम। सुन तो लो, मोए मोए देखे चली चली, ये दर्द मुझे अच्छा लगा। सुनो 10 रुपए का, सुनिए 10 रुपए का झंडू बम लगाओ, नाम पर तो भग जाएंगे चुनाव आयोग के नाम पर भग जाएंगे, इनका मिर्ची लगती है। फिर कहते हैं कि हमारा टाइम यूटिलाइज होता है, टाइम यूटिलाइज होता है। जवाब तो ले लो, अरे भाई जवाब ले, विपक्ष का है, जवाब जवाब जवाब। हम बात करते हैं ईवीएम की, ईवीएम पर बात कर लेते हैं सर, बहुत बड़ा मुद्दा है ईवीएम, ईवीएम पर बात कर लेते हैं। तेलंगाना यहीं पे वोट करा लो, सुनो सारा भक्त तो बैठे हैं यार, ये राजमाता का गुलाम, ये राजमाता सोनिया गांधी का गुलाम, राजमाता सोनिया गांधी का गुलाम, कटप्पा कटप्पा कटप्पा। 3 जून 2017 को इलेक्शन कमीशन ने बोला था एक नेता दिया, बहुत खत्म है, रोक लो मंदिर बनाएंगे भी तोड़ेंगे, इसके ऊपर की राजनीति थी मंदिर के ऊपर की, भाई 70 साल में थार पे क्यों ना राजनीति, बताओ तेल लगा के जाबर का नाम मिटा दिया बाबर का। जो कहते हैं, जो कहते हैं मंदिर से क्या नाम है नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी दूर होगी, अरे जाओ मस्जिद चले जाओ, मस्जिद मस्जिद चले जाओ, टाटा अंबानी बन जाओ मस्जिद जा जा करके। भाई मैं कह रहा ना, फिर आप यहाँ क्यों घूम रहे हो? सुनो ईवीएम पे जवाब ले लो, ईवीएम पे बोला ना, तेलंगाना में किसकी सरकार है? सुनो तेलंगाना में किसकी सरकार है? किसी की भी सरकार हिमाचल में किसकी सरकार है? कर्नाटक में ईवीएम है, कर्नाटक में किसकी सरकार है? राहुल गांधी ना जानते भाई, चार में से चार लो, इधर आ जाओ, ये सुनो एक मिनट, अच्छा ये एक मिनट, जय श्री राम। सुनो ये सुनो भाई, भाई भाई भाई, ये राजमाता बात करो, क्या बात करोगे तुम, क्या बात करोगे? इन्हें पता है इनकी हालत, पता क्या है, बाहुबली के कटप्पा जैसी, जिसे पता है भारत का विकास क्या हो रहा है, लेकिन राजमाता की कसम खाई है। सुनो सुनो मोदी जी कहाँ गया, वो भाग जाने दो, सुनो बड़े भाई आओ ना, कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन पहले फोकस करो, सुनिए कर्नाटक में किसकी सरकार है? एक मिनट बड़े भाई, कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी। हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी। तेलंगाना में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी। वहाँ ईवीएम ठीक था, जहाँ जहाँ जीत जाएंगे वो ईवीएम ठीक है, जहाँ हार जाएंगे ईवीएम। इनकी हालत, इनकी हालत बिल्कुल सही कहा भाई ने, इनकी हालत कटप्पा के फिल्म की तरह, बाहुबली फिल्म की तरह, पता है कि हम गलत हैं, लेकिन राजमाता को वचन दिया है गुलामी नहीं छोड़ेंगे। दिलवा रहे थे अयोध्या में राम मंदिर बनने से, विकास खोज रहे थे। सुनिए अब मैं आपको विकास बता देता हूँ, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको विकास सुबह नहीं दिख रहा कानपुर वाला, समझो बात को, इनको इनका मौसा अतीक अहमद नहीं दिख रहा है, इनको इनके अभी बोल दूंगा फतवा जारी कर देंगे मेरे नाम का, तुम किल सो। अब मेरी बात सुनो, राम मंदिर में कल कितने कितने कितनी इकोनॉमी बनी है पता सर? अच्छा। जितना पैसा राम मंदिर बनने में लगा ना कल में वसूल लिया गया, इतना ज्यादा विकास हुआ है। अच्छा। राम मंदिर में मूर्तियां बनी, क्या उन लोगों को नौकरी मिली कि नहीं बनी? आप एक बात बताइए, अच्छा। आप 10 लाख लोग रामलला का दर्शन करने गए हुए हैं, अपनी गाड़ियों से गए,
पेट्रोल लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा? हाँ लगा होगा। सरकार को पेट्रोल का रिवेन्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। जो ट्रेन से जाएंगे, अच्छा ट्रेन में टिकट लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ। जो बस से जाएंगे, हाँ बस में टिकट लेंगे कि नहीं लेंगे? वहाँ जाएंगे किसी होटल में भी रहेंगे, होटल में पैसा देंगे कि नहीं देंगे? अच्छा। देश की इकोनॉमी में, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में, अयोध्या की इकोनॉमी में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? जाएंगे तो प्रसाद भी लेंगे, अच्छा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। आप एक बात बताइए, जाएंगे तो दान दक्षिणा भी देंगे? हाँ। और ये जो यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे थे ना, हाँ ये देश की जितने भी मदरसे चल रहे हैं, जितनी भी मस्जिदें चल रही हैं, उनका पैसा हमारे मंदिरों के टैक्स से जाता है। अच्छा। अगर मंदिर टैक्स ना देना, ये रोड पर आ जाएंगे। अच्छा। तो ये लोग पहली बात तो औकात में रह के बात करें। अच्छा। और अभी सुन लो, हाँ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हाँ अयोध्या मथुरा काशी ने एक साथ ललकारा है और गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। अब देखिए ये कह रहे हैं अयोध्या काशी मथुरा, क्या सोचते हैं? देखिए भाजपा सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया। अच्छा। अयोध्या में राम मंदिर बना के दिखाया। हाँ। मैं एक ही बात कहूंगी, देश जमीन खोदोगे तो राम मंदिर निकलेगा, भ्रष्टाचार खोदोगे तो कांग्रेस निकलेगा। आपका दूसरा सवाल, अच्छा क्या लग रहा है, राम मंदिर आने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? राम मंदिर आने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? राम मंदिर तुम लोगों ने, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोगों के जितने भी प्रश्न है, विपक्षी पार्टी के जितने भी प्रश्न है कि राम मंदिर आने से बेरोजगारी दूर होगी कि नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हो और इसको बोलने की, इसको बोलने का भी तमीज नहीं है, इसको ये पता, राहुल गांधी को पता ही नहीं कि ये बंदा क्या बोलता है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हमने दौरे लगाए और पीछे पूछता है भाई कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर, तो इससे बन जाएगा क्या, इससे बेरोजगारी हट जाएगी क्या? हटेगी इससे बेरोजगारी? ये बनता साफ साफ बोलता है हिंदुत्व पे विश्वास नहीं रखता, हिंदू पे, मुस्लिम लड़कियां हमारी बेटी, मुस्लिम लड़कियां हमारी बेटी, अरे इन हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालना है। तुम क्या बाहर निकालोगे राहुल गांधी, तुम क्या बाहर निकालोगे? ये देश हमारा है, सनातन धर्म हमारा है और धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म, बाकी सब मजहब। जय श्री राम। तो जिस तरीके से आपने सुने लोगों का, जो अपने अपने राय था वो अपना विचार रखे, फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में लिखते हुए जाएगा, मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।